नमस्कार दोस्तों, आज ये लकड़ी के टुकड़ों से हम कुछ बनाएंगे। ये लकड़ी की जो बड़ी बड़ी जो है ये टहनियाँ हैं जो पेड़ की, ये आपको लकड़ी के टाल में मिलेंगी। ये इस तरह की, देखिए अंदर से जो खाई हुई लकड़ी मैंने इस्तेमाल करी है, जो वेस्ट लकड़ी रहती है वहाँ पे, तो इसके जो पीसेज है वहाँ से ये आरे से ही चुरवाए हैं, क्योंकि घर में चुराने में मुश्किल रहती है। कोई 2 इंच 3 इंच के करीब अलग अलग वेट के कटवाए हैं। ये यूज़ करेंगे सेंट की शीशी, ये टेस्ट ट्यूब है, और ये देखिए ये एक फ्लावर वास है ग्लास का, इसको आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये लकड़ी की बात कर रहा था मैं, ये देखिए अंदर से खाई हुई लकड़ी है, ये जलाने के काम जनरली आती है, तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है लकड़ी के टाल से। तो इसके पीसेज आप देखिए इस तरह, ये 6-6 इंच या 5-5 इंच चौड़े आप कटवा सकते हैं। ये देखिए ये तकरीबन 3-4 फुट का पीस लिया था, उसके अलग अलग पीसेज कटवाए थे। ये सूख चुकी है, ये वाली लकड़ी है, ये थोड़ी डिफरेंट लकड़ी है, थोड़ी गीली भी है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको कटे। ये देखिए ये डिफरेंट शेप से इसकी मिली है इस बार मेरे को, ये इसके भी थोड़े पीसेस इस बार पतले कटवाए हैं थोड़ा डिफरेंट यूज़ के लिए। ये देखिए ये लास्ट में जो ये वाला पीस है, ये देखिए रिम 2 इंच चौड़ा है, इसको आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप फ्लैट देख लीजिए किस तरफ से फ्लैट है, तो उसी साइड को उसके नीचे उसको बेस बनाएंगे हम। आप अपने हिसाब से अलग से भी कर सकते हैं, उसको नीचे से काट देंगे, यहाँ से फिर बीच में इसके बीच में होल करेंगे, और होल के बीच में से आप कोई फ्लावर वास या कुछ लगा करके तो बीच में ऊपर में उसका कुछ फ्लावर वगैरह लगाएंगे। तो ये देखिए जब आपने डिसाइड कर लिया किस तरह उसको खड़ा करना है, जो बेस क्या होना है, तो उसके सेंटर लाइन लगा लीजिए तकरीबन, ताकि पता लग जाए आपको किस तरह आपका जो फ्लावर वास है या जो भी लगाना है आपने बीच में किस डायरेक्शन में रहेगा। तो ऊपर वाला जो है ये पोर्शन है, यहाँ पर हम ड्रिल करेंगे ड्रिल मशीन के साथ। तो आप अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप बाहर से किसी से करवा सकते हैं। ये देखिए आगे ये तकरीबन 1.5 इंच 1 इंच की आप ड्रिल ले लीजिए, तो बिट जो है उसको इस तरह आप अपना प्रिकॉशन यूज़ करते हुए आप इसमें थ्रू एंड थ्रू ड्रिल कर दीजिए ऊपर वाले भाग में। ये इस तरह इसका पूरा होल हो गया है, ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है, और डिपेंड करता है आपने किस तरह का बीच में फ्लावर वास वगैरह या क्या चीज़ लगानी है। ये दोनों तरफ से एक बार लगा के आपको थोड़ा सा प्लेन हो गया, आप और लगा लीजिए। इसके ऊपर आप वार्निश भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा दीमक का जो प्रोटेक्शन का है वो ज़रूर एक बार स्प्रे कर लीजिए उससे पहले। तो ये देखिए अब इसमें हम यूज़ करेंगे, ये जो सेंट की शीशी थी आपको दिखाई थी, ये वाली आज वेस्ट पड़ी थी, खाली हो चुकी थी, इसको यूज़ करेंगे इसके ऐसे बीच में। तो इसके लिए पहले इसका ऊपर का जो भाग है वो निकालेंगे, ताकि इसके बीच में पानी डालें या कुछ जो भी डालना है बीच में डाल के इसमें फ्लावर लगाने हमने। ये देखिए इसको इस तरह अलग से करके आप अपने ध्यान से, ये देखिए इस तरह की ये फाइनली आपकी ये शीशी निकल आएगी इस तरह। अब ये इसकी जो हाइट है शीशी की थोड़ी सी छोटी है होल से, तो इसको हम ऊपर की ओर सटाने के लिए, डिपेंड करता है ऊपर की ओर सटा के रखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके लिए इसका मुंह, क्योंकि इसका ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो उसको किसी चीज़ से हम बांध देंगे। ये देखिए वायर, सिंपल फ्लेक्सिबल वायर लेंगे आप, बाइंडिंग वायर होती है ये आप इसके 2-3 ऐसे बल दे करके तो होल के ऊपर से निकाल के ऊपर से इसको सटा देंगे, ताकि ये ऊपर की ओर खींची रहे। ये इस तरह देखिए 2 तारें करके आप होल के बीच में से निकाल दीजिए इस तरह, और तार को ऊपर से जिस तरफ आपने सामने की तरफ ना बैक साइड की तरफ आप उसको बेंड कर दीजिए इस तरह खींच के थोड़ा सा, ताकि ऊपर की ओर सटी रहे। और इसके बीच में बस पानी डाल दीजिए, और घर में जैसे मनी प्लांट या इस तरह की चीज़ें जो भी मिल जाती हैं आपको, आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने ये मनी प्लांट इसमें इस बार यूज़ किया है, तो मनी प्लांट को शेप देने के लिए आप वही बाइंडिंग वायर को साथ में लगा करके ऐसे सीधा कर सकते हैं इसको। ये और डिफरेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए ये एक फ्लास्क है इस तरह की, ये देखिए इसके लिए बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी नेक काफ़ी लंबी है, तो इसको भी इस तरह आप रख के इसके बीच में भी कोई भी पौधा, अगर आप बागवानी का शौक़ रखते हैं तो आपको पता होगा ये इस तरह के जो पौधे होते हैं ये पानी में काफ़ी देर चल जाते हैं, महीना भर भी आराम से चल जाते हैं, ये सूखते भी नहीं हैं और ज़्यादा पानी की बदलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह आप इसको फिर वही वाइंडिंग वायर से आप शेप दे सकते हैं। ये राउंड फ्लास्क भी लगा सकते हैं, या ये पतली सी ट्यूब है, ये भी काफ़ी स्लीक है। इसमें बस ध्यान यही रखना है, क्योंकि ये जो होल है ये लंबा है, अगर जैसे 2 इंच लंबा है तो थोड़ा टेपर होना चाहिए होल, ताकि आपने जो इंसर्ट करना है वो आराम से इंसर्ट हो जाए। इसमें भी ये देखिए पानी डाल के इस तरह का या प्लांट कोई भी आप अपने मनपसंद का लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक थोड़ा 4-5 महीनों का ये पीस कट के रखा हुआ था, सूख चुकी है लकड़ी अच्छे से, ये थोड़ी चौड़ी थी क्योंकि चौड़े फ्लावर वास के लिए मैंने रखी थी। इसमें होल वैसे ही किया जैसे आपको दिखाया गया है, ये ऊपर का भाग इसका जो पतला है इसका, और ये थोड़ा नीचे का जो बल्ब है इसका फ्लास्क का मोटा, इसलिए इसको इसमें भी टेपर करना पड़ा होल, ताकि
क्योंकि लेंथ इसकी ज़्यादा है जो फ्लास्क की है होल से, तो ये ऐसे टेपर करके टेढ़ा करके इसमें इस साइड से, ये देखिए टेपर इस साइड से किया था इसलिए इस साइड से इंसर्ट हुआ, तो ये नीचे उसके बॉटम में लग जाएगा। ये बिल्कुल अंदर की तरफ नेचुरल है, ये खाई हुई दीमक की लकड़ी है बस। इसमें यही रखना है आपने ध्यान, इसमें आपको दीमक जो है उसके बचाने वाला आप स्प्रे ज़रूर कर लें इसके बीच में। ये बीच में देखिए इसमें फ्लावर लगा के आपको इस तरह का आपका डेकोरेशन पीस एक स्लीक सा बन जाएगा। ये फाइनल रहा है ये प्रोडक्ट। और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी ये देखिए, ये रहा जो टेस्ट ट्यूब वाला था और ये जो फ्लास्क वाला था, इसमें भी आप ये देखिए ऐसे प्लांट्स लगा के इसको शेप दे सकते हैं बाइंडिंग वायर के साथ। ये भी है जो सेंट वाली शीशी थी, ये इस तरह का नीचे आप किसी टेबल पर रख लीजिए, किसी भी चीज़ के ऊपर रख लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।